अब हम कुछ बातें पूरी दुनिया की लिखते हैं, पहले इंडिया की ही चलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट एक्सेट्रा, इंडियाज बिगेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट। अरे हेडिंग में लिखो इंडियाज बिगेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट। इंडिया के बारे में बात करते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है जी। इंडिया की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की भी बात करेंगे। हिंदुस्तान में रिवर के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा ब्रिज लिखो महात्मा गांधी सेतु। अरे पुल को क्या बोलते हैं? सेतु। द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, अरे नदी के ऊपर बनता है, पहाड़ कहीं पर भी बना सकते हैं ना ब्रिज। तो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज क्या लिखा है? महात्मा गांधी सेतु। अब पेपर में तो बस नाम ही आता है, बता देता हूं हिंदुस्तान में पटना में है। आपको ये पता है पटना कहां पर है? यस यू आर इंटेलिजेंट। लंबाई आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं 5.5 किलोमीटर है। अरे पेपर में नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आइलैंड समझते क्या होता है? पूरी दुनिया में नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड किस कंट्री में है? इसे बोलते हैं लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। पेपर में आया था एक बार, याद आ रही है बात। अरे आइलैंड समुद्र में भी हो सकता है, महासागर में भी होते ही है। मैं रिवर की बात कर रहा हूं, नदी के अंदर बना हुआ सबसे बड़ा, हमने नहीं बनाया, मतलब नेचुरल है। यानी वो नदी एक जगह इतनी बड़ी हो जाती है कि वो समुन्द्र की तरह लगती है। क्या क्या लगती है? बड़ी का मतलब वाइड हो जाती है। और वहां एक नेचुरल आइलैंड है, तो रिवर पर बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड पूरी दुनिया में, बोलो जी, मजूली आइलैंड। पहले सुनना है बाद में लिखना है। ये मजूली आइलैंड किस कंट्री में? इंडिया। किस स्टेट में? आसाम। किस रिवर पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्रा। और आसाम में ब्रह्मपुत्रा रिवर इतनी वाइड हो जाती है कि वो समुंदर लगता है, और उस आइलैंड तक जाने के लिए शिप चलते हैं बड़े बड़े। है रिवर लेकिन जहाज चल रहे हैं, उस समुंदर की तरह लगता है। इतनी बात समझ में आ गई? लिख लो। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, मजूली, MAJ मजूली। मैं गया था 25 साल पहले, तो वहां लोगों इंजॉय कैसे, वो ऐसा लगता है कि समुंदर के अंदर ही जा रहे हैं। स्टीमर चलते हैं, शिप चलते हैं बहुत सारे। मजूली। अब यहां कई बातें मैंने बोल दी थी आपको इसके अलावा। तो ये मजूली आइलैंड किस कंट्री में? इंडिया। किस स्टेट में? असम। किस रिवर के ऊपर है? अब वो कुछ ऐसा लिख लेना कि आपको बात याद आ जाए। द लार्जेस्ट एनिमल फेयर। सारी बातें सिर्फ इंडिया की हो रही है, इसलिए ऊपर हेडिंग में इंडिया बोल दिया था, तो बार बार इंडिया वर्ड नहीं बोलेंगे। द लार्जेस्ट एनिमल फेयर, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जानवरों का मेला बिहार में लगता है, सोनपुर। द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम मुंबई में बना हुआ है, सन्मुखानंद, श्री सन्मुखानंद। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओडी, अरे ऑडिटोरियम समझ गए, कहाँ बना हुआ है? मुंबई में, नाम है श्री सन्मुखानंद। लार्जेस्ट लेक, इंडिया की बात हो रही है, बार बार इंडिया बोल नहीं रहा, ऊपर हेडिंग लिखवा दी है। द लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर में है। स्टेट आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, वो तो नाम बोलेगा सीधा, तो लिखो उलर लेक।
WULAR वुलर लेक कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का नाम है जी, वुलर लेक, WULAR वुलर लेक। यहां पर एक बात बताता हूं, जम्मू एंड कश्मीर एक अकेली स्टेट है जहां पर दो कैपिटल है, मालूम है आपको? जम्मू एंड कश्मीर एक अकेली स्टेट है जहां दो कैपिटल है, बताओ, श्रीनगर और कश्मीर। श्रीनगर कश्मीर के अंदर ही तो है। जम्मू एंड श्रीनगर, जब सर्दियां होती है बर्फबारी होती है, बमबारी नहीं कह रहा मैं, बर्फबारी होती है, तो ऐसी कंडीशन में श्रीनगर चौक हो जाता है। अरे श्रीनगर कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर एक वैली है, चारों तरफ पहाड़ है, जाने के लिए एकमात्र सुरंग है जवाहर टनल, दूसरा रास्ता है हवा से। अरे बात समझ में आ रही है? तो रास्ते हो जाते हैं बंद, रास्ते हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलेगा वहां? तो सर्दियों में श्रीनगर से कैपिटल हटा ली जाती है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जम्मू। कहां ट्रांसफर कर देते हैं? जम्मू। और गर्मियों में कैपिटल ले जाते हैं वापस। समझ में आ गया? तो सर्दियों में कहां रहता है? जम्मू का कैपिटल मानी जाती है और गर्मियों में श्रीनगर। और हिंदुस्तान में दो स्टेट ऐसी थी, है नहीं, थी जिसकी एक ही कैपिटल थी, हरियाणा और पंजाब। थी कह रहा हूं मैं, अब अलग अलग हो गई है। हरियाणा की कैपिटल बताओ, खड़े कौन बोल रहे? चंडीगढ़। अभी की बात बताओ ना बहन जी, हरियाणा की कैपिटल बताओ, है जी, कहां से है? रह से है। 1 करोड़ रुपए हार गए आप। पानीपत। अरे जागो, पंचकुला हरियाणा की कैपिटल क्या है? अरे चंडीगढ़ के साथ वाला इलाका है, बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ, पंचकुला। और पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल क्या है? सोच रहे, चंडीगढ़ ही तो है। हरियाणा की क्या है? एडजॉइनिंग है, मतलब चंडीगढ़ से बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया जो बाद में डेवलप हुआ, उसको क्या बोला? पंचकुला। लिखे जी, हाईएस्ट डैम। अरे हाईएस्ट लार्जेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है। हाईएस्ट समझते हो क्या होता है? हाइट वाइज हाईएस्ट डैम बताओ। भाखड़ा नांगल बोलते हैं, भाखड़ा डैम नांगल इलाका है जहां पर बना हुआ है। तो भाखड़ा डैम या भाखड़ा नांगल डैम, नांगला नांगल एरिया है। तो लिख लो जी, लार्जेस्ट हाईएस्ट डैम भाखड़ा डैम। नांगल जगह का नाम है, जिस नदी पर बना हुआ है उस नदी का नाम बता सकते हो? अब ये नॉलेज के लिए बोल रहा हूं अलग से। हिंदुस्तान में हाईएस्ट डैम भाखड़ा डैम, जिस इलाके में है वो नांगल, ये नांगल जिस स्टेट में है वो स्टेट है पंजाब, जिस रिवर के ऊपर बना हुआ है वो रिवर बताओ, सतलुज रिवर। भाखड़ा डैम किस स्टेट में? क्या बात करते हो बहन जी, बहन जी घुमा करो, कहीं जाया करो। तो पानी रोककर वो इतना बड़ा रिजर्वायर क्रिएट कर रखा हुआ उन्होंने, देखा था हमने एक बार जाके, और फिर वो ऊपर से फेंकते हैं नीचे, नीचे टरबाइन चला रहे होते हैं, और फिर समझ लो टरबाइन, और फिर वो क्या जनरेट करते हैं, वो बहुत सारी आर्टिफिशियल रिवर्स निकाल रखी हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, इरीगेशन पर्पस। चलते हैं जी आगे, लार्जेस्ट डेजर्ट। हिंदुस्तान में तो थार है, पूरी दुनिया का कौन सा है? सारा, फिलहाल इंडिया चल रहा है यहाँ, सारा मत लिख लेना।
द लार्जेस्ट डेजर्ट थार। कुछ याद आ रहा है तो पूछ लेता हूँ। पानीपत कोई बच्चा बोल रहा था, हिंदुस्तान में पानीपत की तीन लड़ाइयां हुई हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब? लाउडली क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए जोर से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1526। कौन जीता कौन हारा? अरे बोलते नहीं हो तुम लोग, 1526 बोल दिया तो आगे भी तो बता। लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा कत्ल हो गया था और मुगल डायनेस्टी का पहला राजा जीता था और गद्दी पे बैठ गया टिंग। इब्राहिम लोधी का कत्ल हुआ था, लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा, मुगल साम्राज्य का पहला राजा बाबर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अब ये यहां वैसे ही सुन लो, 1520 बाबर या इब्राहिम लोधी डिफीटेड बाय बाबर। जब बात चल रही है तो फिर तीनों लड़ाइयां पूरी कर दूं। सेकंड बैटल ऑफ तीन ही हुई है पानीपत में। इब्राहिम तो कहना पानीपत कहां है, पानीपत कहां है बहन जी? हरियाणा की साइड नहीं है, हरियाणा नहीं है, हरियाणा नहीं है, यहां से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर है। बोलो जी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। बोलो जी, जोधा अकबर पिक्चर किसने देखी है? नहीं बताओगे तो आज पिटाई होगी। मतलब पिक्चर देख रखी है, जानकारी है, बोलो फिर। लड़ाई पिक्चर शुरू ही लड़ाई से होती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई है वहां। अरे लिख रहे हो, सुन तो लो पहले। 1556 नहीं समझ में आता तो 1556। बेचारा 14 साल का बच्चा जिसके ऊपर अटैक हुआ था, बच्चे का नाम अकबर का असली नाम है जी, अकबर तो बाद में दिया था, जलालुद्दीन मोहम्मद असली, बाद में वो तो हिंदुओं ने नाम दे दिया था, फिर उसके नाम के आगे जोड़ दिया, अकबर बोल सकते हैं। 14 साल का बच्चा, पिताजी चले गए बेचारे, पंजाब का सेनापति बना रखा था उसे, अब पिताजी चले गए तो बच्चा गद्दी पे बैठ गया। 14 साल का बच्चा, 14 ईयर्स का बच्चा डायनेस्टी का किंग डिक्लेयर कर दिया। सेनापति का नाम था बैरम खान, सेनापति का नाम था बैरम खान। पिक्चर तुमने देखी है? मैंने नहीं देखी, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ रखी है। बैरम, तो बेसिकली लड़ाई बैरम खान ने लड़ी थी। किस 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर के नाम से लड़ाई लड़ी गई 14 साल के बच्चे। किस राजा ने लड़ी? हेमू ने। बड़ा स्ट्रॉन्ग रूलर था, बहुत बड़ी आर्मी थी, उसे लगा राजा मर गया, छोटा बच्चा क्या लड़ाई लड़ेगा, गर्दन काट देंगे, कब्जा करते हैं मुगल साम्राज्य पर, अटैक कर दिया। और बैरम खान ने राजा के नाम से लड़ाई, राजा गया वहां, मतलब अकबर वहां गया, और बच्चा क्या लड़ाई करता, बैरम खान के ऑर्डर चल रहे थे और वो लड़ाई करीब करीब हारने की पोजीशन पर थे, करीब करीब। हेमू हाथी पर चढ़ के आता था लड़ाई के मैदान पे, और बख्तरबंद उस जमाने में ना, वो तीर कमान भाले बंदूक, बंदूक तो अंग्रेजों ने लाई, यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करी है, तो पहले तो होती नहीं थी, तो तीर कमान भाले वाले वो, और वो हाथी पर सबसे ऊपर एक तो, और बख्तरबंद पहने होते थे, बख्तरबंद समझ गए, कवच, आंख के अलावा कुछ नजर नहीं आता था उसका, जो मर्जी मारो टकराएगा, अरे उसके बख्तरबंद में टकराएगा, बच जाएगा वो। अरे तुम लाल किला गए हो कभी? लाल किला गए हो? लाल किला पूछूंगा क्वेश्चन, खड़े हो, खड़े हो,
लाल किला गए हो? खड़े जो लाल किला नहीं गए खड़े हो गए हो, इसको लेके जाओ हैं? अरे वहां बख्तर में लगे हुए हैं देखना, मतलब हम म्यूजियम भी बना रखा है। जो आखिरी मुगल एम्पायर था उसका नाम बताना। बाबर, औरंगजेब 1772 में ऊपर चला गया था बहन जी। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह 1857 जी, उसका वजीर बख्त खान, वजीर खान। औरंगजेब तो 1772 में मर गया था 1772 में, और मुगल एम्पायर का आखिरी राजा गिरफ्तार हुआ था 1857 फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर, मरा वो तब भी नहीं था। उसका सेनापति था बख्त खान, लाल किले पे कब्जा कर लिया था, लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा 1757 में हो गया था, 1857 में हमने छीन लिया था, बहादुर शाह जफर ने छीन लिया था लाल किला। सेनापति कौन था? बख्त खान। अंग्रेजों की आर्मी अपने साथ मिला ली थी। जल्दी ह्यूज रोज, अंग्रेजों के सेनापति की बात कर रहा हूं, उन्होंने कब्जा कर लिया वापस। इसके बच्चों को, किसके बच्चों को? बहादुर शाह जफर के दो बच्चे थे। अब हिंदुस्तानियों की परंपरा थी कि राजा का बच्चा गद्दी पे बैठेगा, तो अंग्रेजों को लगा इसके बच्चे कल को ना दोबारा गद्दी पे बिठा देंगे हिंदुस्तानी। 1757 पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और 100 साल बाद जब हमने लाल किले पे कब्जा करा तो वापस किसको बिठाया गद्दी पर? बहादुर शाह जफर, यानी मुगल के जो वंशज है उन्हीं को गद्दी पे बिठा दिया, बैठ जाओ जी तुम राजा, तो कल को ही फिर बिठा देंगे। तो अंग्रेजों ने पब्लिकली, तुमने आईटीओ देखा है? अरे हिंदुस्तान दिल्ली में आईटीओ देखा है? नहीं समझ में आ रहा। डॉल म्यूजियम देखा है? आज ही जाओ डॉल म्यूजियम आईटीओ की रेड लाइट। वहां पर बहुत बड़ा फांसी का सिस्टम बनाया और पब्लिकली जनता के सामने उसके दोनों बच्चों को फांसी दे दी, हैंग टिल द डेथ, कि देख लो अब कभी तुम्हें वारिस नहीं मिलेगा वारिस। और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान से बाहर रंगून भेज दिया, जिसे आजकल म्यांमार बोला जाता है। और वहां उन्होंने जेल के अंदर अपनी आखिरी सांसें, वापस आ जाऊं जी, सेकंड बैटल ऑफ हेमू और अकबर के बीच थी। करीब करीब अकबर हारने वाला था। बैरम खान ने आखिरी दिन, बहुत कम आर्मी बची थी, बस उन्होंने तैयारी कर ली थी कि अब उनका कत्ल होगा या वो गिरफ्तार हो जाएंगे सब। तो बैरम खान ने तीर अंदाज की टुकड़ियों को बुलाया, समझ गए मेरी भाषा, और उनको कहा जीतने का एकमात्र तरीका है हेमू को मार दिया जाए, आर्मी इनकी इतनी बड़ी है इनको तो हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। हेमू मर जाए तो मात हो जाएगी, अरे राजा मर जाए खेल पलट जाएगा, और मारने का एकमात्र तरीका उसकी आंख पे तीर मारो, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उसने पूरी एक टुकड़ी को लगा दिया इसी काम के लिए कि अगर तुम सक्सेस हो गए तो बाजी पलट जाएगी, नहीं तो हम गए। और चांस की बात है, एक तीर हेमू की आंख में लग गया और वो गिर गया और उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको इमीडिएटली बाजी पलट गई, अकबर के सामने लाया गया हेमू को। अकबर थोड़ा दरिया दिल था, वो उसे माफ करने, छोटा बच्चा माफ करने ही वाला था। बैरम खान ने कत्ल करने, राजा के नाम से फरमान इशू कर दिया, गर्दन काट दो। जब तक हेमू, जब तक अरे बाजी पलट गई, कौन जीता? अकबर। कौन आ रहा? हेमू। जब तक अकबर बच्चा था, बैरम खान डिक्टेटरशिप था, तानाशाह था, अकबर के नाम से बहुत सारे कड़े फरमान जारी करे। जैसे ही अकबर बड़ा हो गया और उसे लगा कि मामला ठीक नहीं है बैरम खान का, उसको हज पर भेजा। कहाँ भेजा? अब ये मत कहना हज क्या होता है। साथ में आर्मी, और रास्ते में बैरम खान का कत्ल करवा दिया। किसने? चलते हैं वापस, बहुत सालों बाद जब वो बड़ा हो गया। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत क्या रहा जी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत क्या रहा?
बिटवीन हेमू एंड अकबर, या सीधा ही लिख लो हेमू डिफीटेड बाय थर्ड बैटल कब हुई जी पानीपत की, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बताओ जी। सेवनटीन सिक्सटी टू, सुनना है जी आपको। नादिर शाह अब्दाली आया था, नादिर शाह अब्दाली आया था अफगानिस्तान से, बड़ा जबरदस्त कत्लेआम हुआ और हिंदुस्तान से दो मेजर चीजें लूट के लेके गया था, एक तख्ते ताऊज, पता क्या है, लाल किला जो निंगे आज खड़े हो ही जाओ, है जी, तख्ते ताऊज पता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक थ्रोन, क्या बोलते हैं, लाल किले में राजा वो आम दीवाने, हाँ शब्द याद आ रहा है, दीवाने आम दीवाने खास, तो दीवाने आम थे ना जहां राजा बैठता था और नीचे पब्लिक होती थी और फिर फरमान जारी होते थे, तो वो दीवाने आम का जो सिंहासन था वो मार्बल का था और उसके अंदर बेशकीमती हीरे लगे हुए थे, ऐसे हीरे जो आज तक इस दुनिया में कभी किसी ने ना देखे होंगे, पूरे सिंहासन में हीरे जड़े हुए थे, उसे क्या बोलते थे, तख्ते ताऊज, उसकी आजकल डमी रखी हुई है, वैसा मार्बल डमी क्या होती है, वो ये पूछ रहा बच्चा, डमी रखी हुई है मार्बल का सिंहासन बनाकर और उसमें जगह जगह ना वो फ्लावर फ्लावर टाइप से वो कार्विंग कर रखी है और वो गड्ढे छोड़ रखे हैं और वो ये दिखाया जा रहा है वहां पर वो बना के डमी कि इसके अंदर क्या लगे हुए थे, डायमंड्स लगे हुए थे कि बेशकीमती डायमंड्स, एक तो ये लेके भागा वो बेशकीमती तख्ते ताऊज जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और दूसरा कोहिनूर डायमंड लेके गया, दूसरा इतना कॉस्टली है आज की डेट में पूरी दुनिया में इससे कीमती पत्थर नहीं है, कोहिनूर डायमंड ले गया। जब वो जा रहा था वहां तो रास्ते में डेजर्ट ऑफ थार, डेजर्ट ऑफ रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंटों को, कैमल को, तो कैमल पे लाद रखा था पीकॉक थ्रोन और वो रास्ते में धूल भरी आंधी चली और वो ऊंट और वो थार में डेजर्ट में दफन हो गया और उसका आज तक कभी कोई पता, अगर आप में से कोई ढूंढ सके तो ढूंढ लो, अगले हजारों सालों तक पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन माना जाएगा। अरे नहीं, मैंने भी एक पिक्चर अधूरी है, अभी मैंने क्या बोला, क्या गया कोहिनूर के लिए, मैं अभी बोलूंगा ना, अरे पिक्चर बाकी है, क्या गया थार के अंदर, पीकॉक थ्रोन जिसे बोलते हैं सिंहासन, तख्ते ताऊज, तख्ते वो गया और उसका आज तक कोई पता है, ढूंढा, ढूंढो ना, तो लोग जाते हैं जिंदगी खत्म हो जाती है वो सोचते ही रहते हैं अमीर बनूंगा अमीर बनूंगा, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, डेजर्ट ऑफ थार में क्या है, रेत की हवाएं चलती, हवा हवा में रेत मिक्स होती है, अगर वहां एक घंटा नॉर्मली ऐसे ही खड़े हो ना तो 25 ग्राम रेत अंदर चला जाएगा लंग्स में, और आप दिल्ली वाले वहां ज्यादा लंबे समय तक, अरे बात समझ में आ रही, वो वहीं के लोगों की आदत होती है, वो भी कपड़ा बांधते हैं जब ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, तो ज्यादा लंबे समय तक वहां आदमी जिंदा, अगर आंधियों के अंदर वो और बिना कपड़े के रहे तो, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं रेत के जो हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस से, तो वहां अरे कहीं पर भी अचानक वो, अभी भी आज भी क्या होता है, रेत की आंधियां चल रही हैं, अचानक यहां टीला बन गया वहां से गायब, फिर यहां से टीला गायब हो गया, वहां रेत उठ के वहां 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 चलता रहता है, तो वो नीचे कहां दफन हो गया, क्या इतना बड़ा डेजर्ट है, बीच राजस्थान में ना नक्शा तुम ना फिजिकली देखा करो इंडिया का, तो बीच में है अरावली हिल्स,
उसका वन थर्ड इधर शहरों का इलाका है, ये जितने शहर उदयपुर और ये जयपुर और ये उसके उधर है असली राजस्थान, जो टू थर्ड राजस्थान है, टू थर्ड राजस्थान, वहां सिर्फ और सिर्फ रेत, बैकवर्ड एरिया, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं, कोई रिवर सिस्टम नहीं, बैकवर्ड एरिया, वहां उसमें दफन हो गया बच्चा, कह रहे ढूंढा नहीं, पता नहीं कितने चले गए ढूंढने के चक्कर में, डायमंड ले गया वो अपने घर, कौन नादिर शाह अब्दाली, वक्त बदला। पंजाब में एक दिन राजा महाराजा रंजीत सिंह की बात कर रहा हूं, पंजाब के राजा, एक दिन उन्हें पता चला कि हमारा डायमंड तो वहां चला गया है और सबसे कीमती है, गुस्सा आ गया, भागते हुए गए अफगानिस्तान आर्मी के साथ, अफगानिस्तान के राजा को हरा दिया और कहते हैं तू बस वो हमारा डायमंड वापस करो और बैठ गद्दी पर, और नहीं तो कत्ल। डायमंड लिया, भागते हुए वापस आ गए, बात समझ में आई? तो डायमंड वापस आ गया हिंदुस्तान में, कौन लेके आया? अंग्रेज बड़े कलाकार, महाराजा रंजीत सिंह से ना फ्रेंडशिप कर ली, पूरे देश में कब्जा कर लिया और महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती कर ली कि तू मेरा दोस्त, और वो दोस्ती के चक्कर में महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि हम अपनी फ्रेंडशिप को पक्का करने के लिए आपको डायमंड गिफ्ट में देते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह ने गिफ्ट में अंग्रेजों को दे दिया, किसको दे दिया? वो अंग्रेज ले गए अपने वहां, उन्होंने अपनी महारानी एलिजाबेथ को दे दिया, वो थोड़ी कमजोर कमजोर सी थी, वो गिर गया स्टोन, गिरते हो गए तो टुकड़े, दो टुकड़े में से एक लगा दिया महारानी एलिजाबेथ के क्राउन में, और दूसरा वहां उन्होंने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना हुआ है ब्रिटेन में, लंदन में, और दूसरा उन्होंने रख दिया लंदन के म्यूजियम में कि देखो 200 साल गुलाम भारत का सबसे कीमती हीरा। अब भाई जो हिस्ट्री की अब कुछ भी कारण रहा होगा, बात टफेस्ट तो नहीं कह सकते, वो हार्ड डेंसिटी भी सबसे स्ट्रांग होती है, काटने के भी काम आता है, लेकिन ऐसा हिस्ट्री कहती है कि उसके दो टुकड़े और आज एक टुकड़ा लगा हुआ है, ये तो रियल स्टोरी बता रहा हूं, आज एक टुकड़ा आज भी लगा हुआ है किसके? एलिजाबेथ के, और वो महारानी के पास है, और दूसरा लंदन में म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है। अरे अभी अभी एक आदमी ने ना सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया भारतीय ने कि ये ना हमारा स्टोन है वापस लाओ, भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस कर दिया कि नलायको हमारी चीज वहां रखी है म्यूजियम में, हम जब भी जाते हैं वो हमें दिखाते हैं और कहते हैं पुअर इंडियंस, अरबों रुपए का तो तुम्हारा ये हीरा ही है हमारे पास, वापस लाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस जीत गई, इसमें कौन केस जीता? और वो आदमी हार गया, और सुप्रीम कोर्ट में दलील ये दी गई भारत सरकार के द्वारा, गिफ्ट करी हुई चीज कि हमने क्या करा था, हिस्ट्री कहती है गिफ्ट उपहार में दे दिया तो फिर कहां लाना बनता है, तो जिसको दे दिया हो गया उसका। अब ये ताजा ताजा रिपोर्ट है, ये लास्ट ईयर का केस है सुप्रीम कोर्ट में, आरटीआई लगा दी एक आदमी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, जाओ लेके आओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीती है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, और स्टेटमेंट क्या दी, गिफ्ट थोड़ा वापस ला सकते हैं, दे दिया गिफ्ट तो दे दिया। अंग्रेज ऐसे कलाकार, कहानी याद आ रही है मुझे, जब तक महाराजा रंजीत सिंह गद्दी पर, गिफ्ट लेने के बाद उन्हें कुछ नहीं कहा, जैसे ही मरे और दूसरा गद्दी पे बैठा, वॉर, इमीडिएट वॉर, और पंजाब कैप्चर, आंखें बदल गई, पंजाब कैप्चर, ऐसे कलाकार थे। वापस आ जाओ जी, तीन लड़ाइयां बता दी मैंने, याद रखना। और वो कोहिनूर डायमंड की कीमत आज भी निकाली नहीं जा सकती जो उनके पास रखा हुआ है, वो एक टुकड़ा ही काफी है। चलें जी, थर्ड
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1762 नादिर शाह जीता, किससे? सिर्फ मुगल से नहीं जीता, मुगल बहुत सारे लोग मिलके लड़े थे। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी उस लड़ाई में, पोजीशन जो हारी थी? मुगल्स। मुगल वीक थे तो उन्होंने सपोर्ट में किसको बुलाया? मराठा को। कहां से? महाराष्ट्र से। सब हारे थे, जबरदस्त कत्लेआम हुआ था। और इस लड़ाई में मराठा मुगल जो मिलके लड़ रहे थे सबका सफाया हो गया। और ये लूट के मैंने बताई दिया क्या मेजर चीजें लेके भागे, कब्जा नहीं करा नहीं उन्होंने हिंदुस्तान में, बस भाग गए चीजें लेके। वो थ्रोन देखो ना तो बड़ा गुस्सा आता है कि ये इतने सारे डायमंड्स और सब छीन के ले गए। तो चलते हैं जी आगे। कहां चल रहे थे जी? थार डेजर्ट पर चल रहे थे, द लार्जेस्ट केव टेम्पल। हिंदुस्तान में पहाड़ को काट कर गुफा बनाई गई जिसको मंदिर मानकर पूजा की। पुराने जमाने में रॉकेट टेम्पल्स होते थे। क्या होते थे? अरे स्ट्रक्चर तो बाद में बनाने लगे ना हम, पहले तो पहाड़ों में ही काट काट के फिर बनाते थे। तो बात यहाँ क्या हो रही है, लार्जेस्ट केव टेम्पल। केव का मतलब रॉकेट टेम्पल्स, रॉकेट तो कैलाश टेम्पल। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का रॉकेट टेम्पल कैलाश। आप बता सकते हो कैलाश टेम्पल कहाँ पर है? कैलाश पर्वत है भगवान, कैलाश पर्वत हमारे देश में है ही नहीं, देश से नजर आता है, चाइना में चला गया। मानसरोवर की यात्रा किसी को करनी हो चाइना से होके जाना पड़ता है मानसरोवर, और मानसरोवर कैलाश पर्वत पर है। पता ही नहीं पता, बोलो जी। अजंता एलोरा सुना है? अजंता एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा में है ये गुफा, लिख लो कैलाश टेम्पल ब्रैकेट में एलोरा। अब ये अजंता एलोरा बोल रहा हूं तो आपको याद हो जाना चाहिए अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। महाराष्ट्र बोल दूं स्टेट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं औरंगाबाद, मैं महाराष्ट्र स्टेट का नाम बोल देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। पेपर में पूछ ले अजंता एलोरा कौन सी स्टेट में है, कहां पर है? महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का रॉक कट टेम्पल जिसे केव टेम्पल बोल रहे हैं, कैलाश टेम्पल। अगला लिखो लार्जेस्ट जू। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, बोलो जी। कैलकटा, जूलॉजिकल गार्डन लिख लो जी, कैलकटा में है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, ये नाम है सबसे बड़े चिड़ियाघर का। कहां पर है? कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद देखी आपने हिंदुस्तान की? किसने देखी जामा मस्जिद? अरे दिल्ली की चीजें तो देख लिया करो, हैं? दूर से, अरे कमाल है, अंदर जाके देखना चाहिए घुमाना। अरे पुराना जमाना तोड़ते हैं कि तू कोई जा नहीं सकता, कोई जाओ किसी टेंपल में जाओ, टेंपल का मतलब किसी रिलीजियस टेंपल में। लिख लो जी जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, लाल किले के सामने है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मॉस्क जामा मस्जिद। वैसे तो सारी मस्जिदों को नहीं, सारी मस्जिदों को तो मस्जिद ही बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो बिल्कुल लाल किले के सामने है। आगे लिखो हाईएस्ट पीक। पीक समझ नहीं आ रही आपको बात? अरे पहाड़ की चोटी होती है ना। अब यहां मैंने ना तुम्हें बचपन में बताया था, पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स है एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन्स, वो पूछे कहां पर है? साउथ अमेरिका। दूसरी बात मैंने बताई थी यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स हिमालय, कहां पर है? एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में। यहां हिमालय का सेंटर को बोलते हैं पामीर नॉट, जिसे बोलते हैं रूफ ऑफ हिमालय पूछ ले तो, ये पहले बोल चुका हूं पामीर नॉट, पामीर। तो हिमालय में जो सबसे यंगेस्ट का मतलब है जो सबसे बाद में, अरे इन पहाड़ों की ऊंचाई ना बदल रही है, ये ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। तो जो सबसे जवान है वो कौन है? हिमालय। तो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसे क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। अरे अभी मत लिखना, इंडिया की नहीं है ये, रुक जाओ अभी मैं पिक्चर पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं।
पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इंडिया की नहीं है ये, अभी लिखना नहीं भाई। ये कहां पर है? नेपाल में है। कहां पर है? हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन ने खोजा था, इसीलिए गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं या केटू बोल सकते हैं। बात पूरी नहीं हुई भी, लिखना नहीं। गॉडविन ऑस्टिन अंग्रेज का नाम है, या इसे केटू बोलते हैं। लेकिन ये हिस्सा हम अपने नक्शे में बनाते हैं, लेकिन ये पीओके है। क्या ये? क्या पीओके? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी इस पर हमारा कब्जा। अब इसको भी हटा दो। अब जो बची उसमें आईएसपी के, अभी बोल रहे थे आप कंचन चुंगा, कंचन चुंगा। तो हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन अंग्रेज का नाम है जी, जिसने खोजा था उसी के नाम से फेमस। GODWIN गॉडविन, AUSTIN गॉडविन ऑस्टिन, इसी का दूसरा नाम है केटू। इसी के आगे लिखो इन पीओके। कहां पर है ये? कैपिटल लेटर में पीओके, पाक ओके भाई। इसी के नीचे ऑप्शन नंबर दो कंचन चुंगा, इसीलिए बोल रहा हूं वो गॉडविन ऑस्टिन लिखे ही ना, तो फिर तुम्हें क्या टिक करना होगा? कंचन चुंगा ये लिखा होगा तो यही टिक करना होगा। चलो आगे। और यहां पर मैंने एक बात और बोल दी, ये तो इंडिया का टॉपिक चल रहा है सारा, वर्ल्ड की बात करता तो मैं क्या लिखता आई स्पीक। आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट टनल, हिंदुस्तान में पहाड़ को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी सुरंग, देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम से है। पहले प्रधानमंत्री के नाम से ही है। जवाहर टनल, कश्मीर वैली में जाने का एकमात्र रास्ता जो रोड का है, रोड ऑन बाय रोड, वो कौन सा है? जवाहर टनल। किस स्टेट के अंदर है? जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर जाने का एकमात्र रास्ता, अदरवाइज हवा से रास्ता है। लॉन्गेस्ट टनल। अगली बात लिखो, जब बसेस निकलती हैं इस टनल में से तो इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, फ्रिजर जैसा। अपने बड़े बड़े फ्रिजर देखे दिल्ली में ना, बहुत सारे कोल्ड स्टोर हैं, पांच पांच छह छह मंजिल बिल्डिंग है और अंदर चैम्बर है पूरा जिसका टेम्परेचर, अरे मतलब कोल्ड स्टोर की बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे ट्रक उसमें घुस जाते हैं, सारा सामान वहां पटक देते हैं और कुछ भी खराब, यानी बड़े बड़े फ्रिजर है छह छह मंजिल और उसी के अंदर आदमी, वो सीढ़ियां भी हैं और उसी में चढ़ चढ़ के माल लोडिंग अनलोडिंग चल रही होती है। तो बिल्कुल वैसा चैम्बर अंदर वो पूरा टनल में जब निकलता है, 10-15 मिनट तक बस चलती रहती है और बिल्कुल वो चैम्बर वाला एनवायरमेंट होता है। चलते हैं जी। लार्जेस्ट डेल्टा, बच्चों ये डेल्टा पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा डेल्टा है और इंडिया का भी सबसे बड़ा है, मैंने बचपन में बताया था। सुंदरबन किस स्टेट में हिंदुस्तान में? वेस्ट बंगाल। कौन सी रिवर जाके समुद्र में गिरती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों गिरती है एक साथ, मतलब इधर से गंगा आ रही है उधर से ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों समुद्र से मिलती है, बे ऑफ बंगाल। तुम्हें तो बस ये याद रखना है सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया का पूछे के वर्ल्ड का? सुंदरबन। कौन सी स्टेट? वेस्ट बंगाल। इसका बहुत बड़ा इलाका ना बांग्लादेश में भी आता है, जो ये डेल्टा है ना इसका एक हिस्सा हमारे पास है, एक हिस्सा बांग्लादेश के पास है। आगे चलते हैं जी। द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर समझते क्या होता है? अरे वो जो चबूतर मंदिर में जाते हैं तो एक बहुत सा प्लेटफॉर्म सा बना होता है जिसके ऊपर चढ़ के फिर वो मंदिर के मेन दरवाजे पर और फिर अंदर दर्शन, समझ गए जी? चबूतरा हिंदी का शब्द। अरे समझ गए,
पुराने जमाने में लोग अपने घर के बाहर जो कच्चे मकान बनाते थे तो पहले वो प्लेटफॉर्म सा बनाते थे, फिर उसके उस पर चढ़ के फिर घर में एंट्री होती थी। तो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, तो पुराने जमाने में घर भी वैसे बनते थे, टेम्पल्स भी। रामेश्वरम जो टेम्पल है, उस टेम्पल का जो कॉरिडोर है, जो प्लेटफॉर्म है, वो सबसे बड़ा है हिंदुस्तान का, द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम एक टेम्पल है हिंदुस्तान का, कौन सी स्टेट में है? अरे साउथ इंडिया में, कौन सी स्टेट में है साउथ? यस, तो रामेश्वरम कहां पर है? हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का, बोलो जी, कर्नाटका के अंदर है। हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम जोग, जोग। इसी का एक और नाम है गरसोपा, जी ए आर एस ओ डबल पी ए, जो जे ए जे ओ जी, जोग, जोग के नाम से फेमस है ये। किस स्टेट के अंदर है? कर्नाटका। कर्नाटका में एक पहाड़ को काट के, बात यहां याद आ रही है इसलिए बोल रहा हूं, कर्नाटका में एक पहाड़ को काट कर स्टैच्यू बनाया गया, आदमी बनाया गया पहाड़ को काट के, और लोग उसकी पूजा उपासना करते हैं। नहीं पता चला मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक बहुत बड़े पहाड़ को काट के स्टैच्यू बनाया गया, नाम बाहुबली। इसे पिक्चर याद आ रही है बच्चे को, नाम बाहुबली। नहीं पता? पूजा उपासना करते हैं विशेष धर्म के लोग वहां, और ऊपर से वो मिल्क वगैरह और वो चढ़ाते हैं, समझ गए? देखा है टीवी पे? नहीं देखा? तो वो भगवान बाहुबली बोलते हैं उसे। कहां पर है? मैंगलोर। बेंगलोर से कुछ, बेंगलोर के पास एक जगह है साथ में, क्या बोलते हैं उसे? मैंगलोर। क्या बोलते हैं उस जगह को? बोलते हैं श्रवण बेलगोला। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टैचू अभी तक था, सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा था? श्रवण बेलगोला। किसकी स्टैचू है वो? लॉर्ड बाहुबली इन जैनिज्म। अरे बात, लिफ्ट लगा रखे ऊपर जाते हैं और ऊपर से वो सिर के ऊपर से ना पानी मिल्क, अरे समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंगलोर। अभी उससे ज्यादा ऊंची स्टैचू का काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, जिस दिन जल जाएगा उस दिन वो जीके में आएगा। चलो जी आगे, तो आगे चलते हैं जी। द लॉन्गेस्ट रोड, अरे हिंदुस्तान में ना दो स्टेट्स के बीच में जो सड़क चलती है उसे बोलते हैं नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे का काम सरकार का जो डिपार्टमेंट करता है उसे बोलते हैं नहाई। क्या बोलते हैं? नहाई का मतलब फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझ गए? हिंदुस्तान में दो स्टेटों को जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे। सरकार का जो डिपार्टमेंट बनाता है उसे क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई। आजकल इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। हिंदुस्तान में कितने नेशनल हाईवे? 77। कितने नेशनल हाईवे? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, जो मूड आए लिख लो। लॉन्गेस्ट रोड जीटी रोड, 77। जीटी रोड का पूरा नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। थोड़ी बात जीटी के बता भी दूं इसके बारे में। सबसे बड़ा रोड जीटी रोड, इसको हमारे 77 नेशनल हाईवे मैंने बोले हैं, इसे NH1 बोलते हैं। जीटी रोड को आजकल क्या बोला जाता है? थोड़ी और बात बता रहा हूं, बनाने वाला आदमी शेरशाह सूरी। बनाने वाला आदमी अफगानिस्तान का एक राजा था, शेर को भी पकड़ के
जंगल में जाकर और मार देता था बिना किसी वो बाले बल्ले वगैरह के। शेर शाह सूरी, सुनना है जी बात। अभी बाबर का कब्जा हो गया हिंदुस्तान में, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया। बाबर जी जल्दी मर गए, बच्चे का कब्जा हो गया। हे भगवान, हुमायूं के बच्चे का नाम, हाँ हुमायूं आ गया। शेरशाह सूरी ने वहां से अटैक कर दिया, हुमायूं जान बचा के भाग गया, कत्ल नहीं हुआ, हुमायूं जान बचा के। और करीब करीब 15 सालों तक हिंदुस्तान पर कब्जा रहा शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी का। और इसने हिंदुस्तान में सबसे पहला बड़ा कारनामा जो हिस्ट्री में बनाया वो था NH1 ग्रैंड ट्रंक फ्रॉम अफगानिस्तान टू दिल्ली, अफगानिस्तान से। दूसरा कारनामा दिल्ली का चिड़ियाघर किसने देखा है, किसने नहीं देखा? वो चिड़ियाघर की दीवारें है ना, उसे पुराना किला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी ने बनाया था, किसने? तो एक नेशनल हाईवे GT रोड, दूसरा मैंने क्या बोला, तीसरी बात बता रहा हूं अंतिम, रुपया। अरे दिवाली के दिन में वो चांदी के सिक्के निकालते हैं, पूजा करते हैं, फिर छुपा देते हैं घर वाले, इसे क्या बोलते हैं? भारतीय रुपया। ये रुपया इंट्रोड्यूस करा था शेरशाह सूरी ने। तीन चीजें मैंने बोली शेरशाह सूरी की। 15 साल हिंदुस्तान पे कब्जा रहा, 15 साल बाद हुमायूं वापस वहां से आर्मी तैयार करके पावरफुल होके वापस आया, अटैक करा। अब की बार शेरशाह सूरी हार गया और गद्दी पे बैठ गया और मुगल एम्पायर की डायनेस्टी कंटिन्यू। और फिर एक दिन मर गया वो बेचारा अकबर, गद्दी पे बैठ गया। चलो जी आगे। तो ये NH1 के बारे में जो टॉपिक मैंने बोला समझ में आ गया, उससे रिलेटेड बहुत सारा बोला है। पुराना किला जो खंडर टाइप की दीवारें हैं बड़ी अजीबोगरीब सी, वो इसी आदमी की बनाई हुई है। आगे चलते हैं जी। हाईएस्ट गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है बच्चे? अच्छा लिख मत लेना, गलत बोल रहा बच्चा। दिल्ली में भी देखा तुमने बड़े बड़े दरवाजे से बने हुए हैं, जगह जगह बने हुए हैं, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, थोड़े छोटे थोड़े बड़े। दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट देखा हमने। तो ये परंपरा मुगल एम्पायर से चल रही है, ये इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया है। इंडिया गेट किसने बनाया? तो मुगल एम्पायर से चल रही है। अकबर गद्दी पे था और पुर्तगीज ने अटैक कर दिया हमारे महाराष्ट्र गुजरात के इलाकों पर। पुर्तगीज आ गए थे हिंदुस्तान में 15 अगस्त, अरे बता चुका हूँ, 1498 में शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढा वास्को डी गामा ने। तो 1500 में सी रूट पता चल गया था पुर्तगीज को, हिंदुस्तान में अटैक करना शुरू कर दिया, अहमदनगर में कब्जा कर लिया, गुजरात के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अकबर को गुस्सा आ गया, भाग के गया और पहला हिंदुस्तानी, देखो मुगल है लेकिन हिंदुस्तान में कब्जा करके इन्होंने हिंदुस्तान की प्रोग्रेस करी थी, तो मेरे हिंदुस्तानी राजा ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो पहला हिंदुस्तानी राजा जिसने यूरोपियंस को हराया, अकबर पुर्तगीज को हराया था। और इतनी बड़ी जीत को यादगार बनाने के लिए वापस आया आगरा और एक बहुत बड़ा दरवाजा बनवाया, नाम रखा बुलंद दरवाजा, किसकी याद में? विक्ट्री फ्रॉम द पुर्तगीज। अरे क्लियर है जी, बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा गेटवे है। अरे कभी गए हो? लिख लो जी, हाईएस्ट गेट, लार्जेस्ट नहीं बोल रहा, हाईएस्ट गेटवे, सबसे ऊंचा बना हुआ है। हाईएस्ट गेटवे क्या है? बुलंद दरवाजा। कहां पर है ये? एग्जैक्ट जगह बताऊंगा, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कब बना? 1572, किसने बनवाया?
built by Akbar due to victory. Due to victory from Portuguese. Ahmednagar Gujarat का एक इलाका था जिसको Portuguese से छीन लिया था वापस, और वापस आके इसको हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कर दी बुलंद, इसी नाम से आज भी फेमस है। और इस अकबर के बारे में बात याद आ रही है, बताता हूं। अकेला ऐसा राजा जिसने जीते जी अपनी कब्र की तैयारी कर ली थी। मेरी बात समझ में आती है मैंने क्या कहा? इसकी कब्र देखी है तुमने कहां पर है? बोलो, कब्र देखी है? फतेहपुर सीकरी। अरे आगरा का ही है, ज्वाइनिंग इलाका है। आगरा में उस जमाने में पब्लिक रहती होगी, तो जो खाली इलाका है जहां बहुत बड़ा बड़ा, अरे कब्र क्या पूरा वो बना रखा है, बहुत बड़ा इलाका लाल कलर से। तो उसने अपने जीते जी फिक्स कर लिया था कि मेरे को ना यहीं दफनाना, और बिल्डिंग बिल्डिंग और सब। वो ताजमहल देखा है? तो ताजमहल बेसिकली कब्रिस्तान। तो हम ये बहुत सारे कब्रों को दफन करा जाता है, तो वहां गिनती की कब्र दफन है। पता है किस किस की? किसकी? शाहजहां और मुमताज महल। मुमताज महल एक विडो थी जिससे शादी करी थी, विडो से शादी करी थी किसने? शाहजहां ने। असली नाम बताओ मुमताज महल का? ये पता ही नहीं पता आपको? शाहजहां ने विडो से शादी करी थी और उसको नाम शाहजहां ने दिया था। मुमताज महल इसका पहले वाला नाम, ओरिजिनल नेम क्या? बानो बेगम। क्या नाम था? वापस आ जाओ। तो उसकी कब्र फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। वापस आ जाते हैं जी। लॉन्गेस्ट रिवर, बात इंडिया की चल रही है, बोलते जाओ जी। अरे बताया था मैंने बचपन में, गंगा। द लॉन्गेस्ट म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम हिंदुस्तान में कोलकाता में ही है, इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता। अरे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लंदन में है, ब्रिटेन वालों ने बना रखा है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़े इलाके पे कब्जा करा था, तो सारी चीजें वहां रखी हुई हैं। लार्जेस्ट डोम, अरे डोम समझते हो क्या? अरे मस्जिदों के ऊपर वो जो बना होता है ना गुंबज, उस गुंबज को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोम उसको कहते हैं गोल गुंबज। कहां पर है? बीजापुर इन कर्नाटका। कर्नाटका का एक शहर है बीजापुर, वहां पर एक मस्जिद है जिसमें जो गुंबज है वो कैसी बनी हुई है, सबसे बड़ी बनी हुई है, जिसका नाम ही क्या है? नाम ही यही है,